हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको सिंधी एम्ब्रॉयडरी का ये वन स्क्वायर फिल करना बताऊंगी। ये बिगनर्स के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ से देखिए, हम निडिल को वन जो है यहाँ हमने नंबरिंग किया है 1 2 3 4, तो ये वन से हम वन में हम निकाले निडिल को। फिर यहाँ टू के पास देखिए, ये थोड़ा थोड़ा कॉर्नर हमने बाहर निकाल दिया है। अभी इसी तरह से करेंगे। इस तरह से करने से ये बॉक्स बहुत अच्छा फील होता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ निकाले, देखिएगा ये धागा जो है, एक धागा नीचे हुआ तो ये धागा अब हमारा ऊपर से आ रहा है। इसी तरह से इसे होना है। फिर ये यहाँ पे हम थ्री के कॉर्नर पे नीचे जाएंगे। फिर यहाँ से थ्री के कॉर्नर पर यहाँ से निकलेंगे। फिर ये फोर का कॉर्नर है, यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए, ये धागा नीचे है, ये धागा ऊपर है। इस तरह यहाँ पे मेरा धागा नीचे हो जाएगा, यहाँ ऊपर, यहाँ पे धागा नीचे हो जाएगा। यहाँ एक और तरीका है, यहाँ मैं बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ भी हमने नंबरिंग किया है 1 2 3 4। इसी चीज़ को बांधने का एक और तरीका है, तो इसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, वन से। इसमें हम निडिल को ऐसे लेते हैं, इस पोजीशन से लेते हैं, ऐसे निकालते हैं कॉर्नर से सीधा। यहाँ भी आप देखेंगे, एक धागा नीचे और एक धागा ये ऊपर आ रहा है। फिर इस कॉर्नर में भी इसी तरह से, ये सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है, इसमें कॉर्नर हो जाता है, नोक टाइप से निकल जाता है। यहां भी हम इसी तरह से, और यहां पे मेरा धागा, मेरा निडल ये नीचे हो गया। अब देखिए, इसे हम फील करते हैं, पहले वाले बॉक्स को हम फील करते हैं। से हम निकालेंगे अपने धागे को वन के पास, फिर ये नीचे आए। फिर देखिए, ये टू का है कॉर्नर, यहाँ पे हमने ऐसे निकालना है। ये बॉक्स फ्रेंड्स हमने बड़े बड़े बनाए हैं, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ से निडिल को निकालेंगे, ये ग्रीन वाले धागे को ऐसे नीचे से निकलते हुए। फिर देखिए, ये थ्री का कॉर्नर है, यहाँ पे हमें इस तरह से हो जाएंगे, इस धागे के नीचे होना है। फिर आप देखिए, इससे ग्रीन वाले को उठाएंगे। फिर यहाँ फोर के इस कॉर्नर पे हमें निकलना है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे मेरा देखिए 1 2 3 4 हो गया, चार धागे हो गए। तो ये पहले वाले ग्रीन को के नीचे हमने निडिल को निकाला, या धागे को निडिल पे लिया, दूसरे को छोड़ देना है, दूसरे वाले धागे को छोड़ के तीसरे वाले को उठा लेना है। फिर हमें यहाँ से निकल जाना है,
इस कॉर्नर में, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बॉक्स फिल हो गया। अब चलिए यहाँ इसको शुरू करते हैं, इस कॉर्नर वाले को। यहाँ देखिए यहाँ भी हम वन के पास अपने नीडल को निकाले, यहाँ देखिए इसे पहले वाले को उठाया हमने, फिर यहाँ इस कॉर्नर पे निकलेंगे टू के कॉर्नर पे, फिर यहाँ ये पहले वाले धागे को उठाएंगे, और अब ये देखिए ये थ्री का कॉर्नर है, यहाँ देखिए हम पहले वाले एक धागे को उठाएंगे ग्रीन को, फिर ये फोर के कॉर्नर में हम निकलेंगे, फिर ये पहला वाला पहले वाले धागे के नीचे से निकले ग्रीन के नीचे से, और दूसरे को छोड़ दिए, और फिर अब ये येलो वाले धागे लिए, इस तरह से आप देख सकते हैं ये बॉक्स भी फिल हो गया। यही एक स्क्वायर को फिल करने का यही तरीका है फ्रेंड्स। देखिए आप इसे बनाएं, हमने इसे बहुत ही आसानी से और बहुत बड़ा बड़ा बॉक्स बना के समझाया है, आप इसे बनाएं, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।